चार दिन से हो रही लगातार बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे पर दिखाई दी चमक। गोवर्धन क्षेत्र में लगातार चार दिन से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खुल उठे हैं। इस बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं फसलों को अत्यंत फायदा हो रहा है। क्षेत्र के किसान कृष्णकांत भूदेव, दीपक, पवन, कोमल आदि ने बताया कि यह बरसात फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। इससे गर्मी से भी राहत मिली है और फसलों के लिए भी फायदेमंद है। बारिश के कारण ही धान की फसल सही प्रकार से होती है, साथ ही किसानों को सिंचाई में भी भारी फायदा हुआ है। वहीं बताया कि यदि ये बारिश नहीं होती तो किसानों के लिए अधिक सिंचाई करनी पड़ती, लेकिन फसलों में अब किसान पानी लगाने से पूरी तरह बच गए हैं। इसलिए जहां किसानों को मेहनत में फ़ायदा हुआ, वहीं बिजली की बचत भी खूब हुई है। किसानों का मानना है कि यह बारिश बिल्कुल सटीक समय पर हुई है, फसल अब अच्छी पककर तैयार होगी। क्या नाम है? कृष्णकांत जोशी। देखा जाए लगातार बारिश पड़ रही है, तो क्या कुछ करना चाहोगे? उसके लिए किसानों को कितना फायदा है बारिश से? किसान को थोड़ा बहुत फायदा है, ज़्यादा तो नहीं, इतनी तेज़ बरसात नहीं हो रही है। अभी ट्यूबवेल चलाने पड़ रहे हैं, धानों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, किसान तो बेचारा बेबस है। अच्छा, इस बारिश जो ये बारिश आ रही है, इस बारिश से किस किसान को फायदा है? इस बारिश से उन किसानों को फायदा है जिसने तिल बो रखा है, बाजरा बो रखा है, उनको फायदा है। अपनी जो वेजिटेबल बो रखी है उनको फायदा है, बाकी का धान वालों को कोई फायदा नहीं। धान वाले को फायदा नहीं अभी तो। क्या चाहता है किसान की बारिश और आए? हाँ, धान वाले तो ये चाहते हैं कि बारिश और आए, और जो जिसने फूल गोभी लगा रखी है या और भी सब्जियां उगा रखी हैं, वो ये चाहते हैं कि इस तरह से ही पड़ता रहे। क्या नाम है? दीपक। इस बार बारिश पड़ रही है लगातार, क्या कुछ कहोगे बारिश को लेकर? कितना फायदा है किसानों को? नहीं, बारिश से फायदा है और बहुत अच्छा फायदा है। ऐसी बात नहीं है कि कम पड़ रही है, फिर सही पड़ रही है किसान के हिसाब से, जितनी ज़रूरत है। ठीक है, धान के लिए तो थोड़ा ना ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से ठीक ठाक पड़ रही है। हरियाली भी है, आप देख रहे हो।